इस बीच उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गोपालगंज से बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी जीती है। बता दें कि बीजेपी के नेताओं में जश्न का माहौल है और इसी बीच मोकामा से आरजेडी की उम्मीदवार नीलम देवी भी चुनाव जीत चुकी हैं। अनंत सिंह की पत्नी ने बीजेपी की सोनम देवी को रिकॉर्ड मतों से चुनाव हरा दिया है। बता दें कि गोपालगंज की सीट से बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी जीती हैं, तो मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी जीती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी आपको बता देते हैं, जहां पर गोपालगंज से बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी चुनाव जीत चुकी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपकी, देखिए किस प्रकार से जश्न मनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी ने बीजेपी की सोनम देवी को चुनाव हरा दिया है, रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। लगातार अपडेट मिलते जा रहे हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गोपालगंज से बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी जीती हैं और मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी चुनाव जीत चुके हैं। और बता दें कि दोनों की जीत से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे मेरे सहयोगी शुभकांत, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शुभकांत, वहां पर किस प्रकार का जश्न का माहौल है? बताया जा रहा है कि गोपालगंज से बीजेपी की उम्मीदवार जो है कुसुम देवी जीत चुकी है, तो दूसरी तरफ मोकामा से आरजेडी की जो उम्मीदवार है नीलम देवी चुनाव जीत चुकी है, क्या कुछ माहौल है वहां का? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नीलम देवी की पहचान जो है वो आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी है। जी, अनंत सिंह की जीत की यात्रा जो है 2005 से शुरू हुई, 2010, 2015 और 2020 के बाद उपचुनाव 2022 में भी जारी रही। जी, जाहिर है यह चुनाव एक बार फिर साबित कर गया जहां व्यक्तित्व हावी था और पार्टियों की भूमिका सीमित हो गई। जी, मोकामा चुनाव इस बात का सबूत बन गया। जी, जहां नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन को मुहर लगा दी गई। जी, जो लोग यह मान रहे थे कि मैंडेट का अपमान और आरजेडी से जुड़ने के कारण, बिल्कुल, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार और बीजेपी की उम्मीदवार में कैसे